दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कोचिंग चैनल, इसका नाम है दोस्तों यूनिक कोचिंग चैनल। दोस्तों, कल हमारी जो प्रीवियस क्लास थी सर्वेइंग की, उसमें हमने इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग स्टेशंस पढ़े थे। कुछ स्टेशन को बनाने वाले उपकरण के बारे में हमने जाना था, और उसी में हमारा एक रेंजिंग का टॉपिक स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम डायरेक्ट रेंजिंग पढ़ चुके थे, जो कि तब यूज कर रहे थे जब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर तक हो या उससे ज़्यादा ना हो, तब हम डायरेक्ट रेंजिंग कर सकते हैं। अगर हमारी रेंजिंग के डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कि दो पॉइंट्स जो कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर हो, तब किस प्रकार रेंजिंग की जाए, या फिर कि पॉइंट काफ़ी दूरी पर भी हैं और हमें किसी भी कारण से, किसी भी बाधा ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हमें वो दिखाई भी नहीं दे रहे, तब हम रेंजिंग कैसे करें। तो उसके बाद हमारे पास दोस्तों यहाँ पर दूसरी रेंजिंग आती है, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग, इसी का हमने दूसरा नाम आपको बताया था, रेसिप्रोकल रेंजिंग। ठीक है दोस्तों, और इसी का एक नाम और भी था हमारा, रिपीटेड रेंजिंग। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग या दोस्तों रिपीटेड रेंजिंग या आपकी रेसिप्रोकल रेंजिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये आता है कि रेसिप्रोकल रेंजिंग कब की जाती है, वो आपसे बस इतनी बात पूछता है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि जब दो पॉइंट्स एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर हों और किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि कोई पहाड़ टाइप के कारण हमें एक दूसरे से दिखाई भी ना देते हो, तब यूज करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक हिल है, ठीक है दोस्तों, ये कोई हिल है, कोई पहाड़ है, और एक पॉइंट हमारे पास इधर है ये ए, और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है बी। इस हिल के कारण ये ए और बी एक दूसरे से दिखाई नहीं दे रहे हैं और एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर भी है, तब हम क्या काम करते हैं उस केस में, उस रेंजिंग को सोल्व करने के लिए हम रिपीटेड या रेसिप्रोकल या इनडायरेक्ट रेंजिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें दोस्तों क्या काम क्या आता है, इसमें पहाड़ की चोटी पर यानी कि उस हिल की चोटी पर हम दो पॉइंट इस टाइप से मान लेते हैं जिससे कि हमें ये दोनों पॉइंट इजीली दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, इजीली दिखाई दे। इसमें हम क्या काम करते हैं, इस एन पॉइंट से ए को साइड करते हैं, इस एन से ए बिंदु को देखा जाता है, फिर एम से बी बिंदु को देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एन से ए को देखते हुए एम को साइड किया जाता है और एम की एक न्यू पोजिशन एम डैश फाइंड कर ली जाती है। एन से ए को साइड करते हैं, फिर एम से बी को साइड करते हैं, एन से ए को देखते हुए एम की एक नई पोजिशन एम डैश फाइंड कर ली जाती है, ऐसे ही एम से बी को देखते हुए एन की एक न्यू पोजिशन एन डैश फाइंड कर ली जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या काम करते हैं, जब आपके पास एम डैश पोजिशन आ जाएगी एन के कारण, तो एन डैश ए के बीच में आपको एम डैश दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ही जब M के कारण B को देखते हुए N की एक नई पोजीशन आ जाएगी N डैश, तो M डैश B के बीच में आपको N डैश दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या काम करते हैं, N डैश से A को साइड करते हैं, M डैश बीच में होना चाहिए, M डैश से B को साइड करते हैं, N डैश बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोसीजर हम तब तक करते रहते हैं जब तक ये सभी पॉइंट्स A M N B एक ही लाइन पर ना आ जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी कारण इसको रिपीटेड नाम दिया गया, क्योंकि बार बार रिपीटेड होता रहेगा प्रोसीजर। बस हम इससे इसको देखेंगे तो यो दिखाई देना चाहिए, इससे अगले पॉइंट को देखेंगे तो यो दिखाई देना चाहिए। ठीक है, जब आप इससे इसे देखोगे तो एन एम ए ये एक ही लाइन पर होंगे, जब इससे आप इसको देखोगे तो एम एन बी एक ही लाइन पर होंगे, जब ये सारे आपस में दिखाई दे रहे होंगे यानी कि ए एम एन बी एक लाइन में आ जाते होंगे, तब हमारी अरेंजिंग कंप्लीट हो जाती होगी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है जो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनडायरेक्ट रेंजिंग में फोर रेंजिंग रोड आर यूज्ड, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
इनडायरेक्ट रेंजिंग में कितनी रेंजिंग रोड यूज की जाती है, तो चार रेंजिंग रोड यूज करते हैं दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि रेसिप्रोकल रेंजिंग या इनडायरेक्ट रेंजिंग कब प्रयोग करते हैं, तो इसका यूज है जब जब किसी पहाड़ आदि के कारण दो पॉइंट हमें एक दूसरे से दिखाई ना दे, तब हम इस प्रकार की रेंजिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखोगे। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर आता है दोस्तों रेंडम लाइन, रेंडम लाइन मेथड, यह भी इंपॉर्टेंट है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि यह कब यूज की जाती है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि कितनी रेंजिंग रोड यूज करते हैं और कब की जाती है। बस पहले वाली में हम तीन रेंजिंग रोड यूज कर रहे थे और उसका जो एंड पॉइंट है वो 100 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, तब यूज कर रहे थे। इनडायरेक्ट में हिल के कारण जब दो पॉइंट दिखाई ना दे रहे हो तब यूज करते हैं, चार रेंजिंग रोड यूज की जाएगी। रेंडम लाइन मेथड क्या होगा, रेंडम लाइन मेथड हम तब फॉलो करते हैं जब हम रेंजिंग प्रक्रिया या रेंजिंग प्रोसेस किसी फॉरेस्ट में किसी जंगल से कर रहे हो। अगर कोई आप रेंजिंग जंगल में कर रहे हो, फॉरेस्ट में कर रहे हो, तो आपको देखते हो कि वहां पर पेड़ काफी ज्यादा होते हैं, जिस कारण हो सकता है कि हम रेंजिंग ना कर पाए, तब हम इन रेंडम लाइन मेथड का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखोगे, मान लो हमारे पास ये कोई दो पॉइंट है ए और बी जिनकी आप रेंजिंग करना चाह रहे हो, और ये ए और बी पॉइंट किसी फॉरेस्ट में है, किसी जंगल में है, मतलब वहां पर पेड़ वगैरह भी है ये। ठीक है दोस्तों, वहां पर आपको पेड़ वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो आप देख रहे हो कि अगर मैं ए से उस बी को देखना चाहता हूं कि बीच में तो पेड़ आ गया, वो मुझे दिखाई नहीं देने का, तो दोस्तों उस केस में हम क्या काम करते हैं, हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट दिखना शुरू हो जाए। मान लो मैं ए से उसे देख रहा हूं, तो मैं इस ए को इसी के लेवल में कहीं इधर मान लूंगा। अगर मैं इस बी को यहां से यहां मान लूंगा तो आप देख रहे हैं कि इससे मुझे ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं कि बी को यहां से यहां मानना हो, इसी को बोलते हैं रेंडम लाइन। तो दोस्तों क्या काम करते हैं, हम इसको यहां से ये हमने यहां मान लिया इसकी न्यू पोजिशन बी डैश। तो अब आप देख रहे हो कि ए से मैं बी डैश को डायरेक्टली देख सकता हूं। ठीक है, ए से बी को मैं डायरेक्टली देख पा रहा हूं। तो जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है दोस्तों, यही हमारी रेंडम लाइन होती है, रेंडमली ड्रॉ कर लेना। इसमें क्या काम करते हैं, हमारे पास एक सिमिलर मेथड होता है, सिमिलर मेथड का प्रयोग करते हुए ही हम इसका डिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो सिमिलर मेथड क्या होता है देखना, सिमिलर मेथड कहा जाता है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स वन अपॉन वाई वन, ये सिमिलर मेथड होता है। ठीक है, क्या ये x और y है, क्या x तो है ही है, जो रेंडम लाइन आपने ड्रॉ की है, ये रेंडम लाइन जो ड्रॉ की जाती है दोस्तों 90 डिग्री एंगल पर होती है, 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर जो लाइन ड्रॉ की है वो आपका x डिस्टेंस, और a से b को देखने के लिए जो आपने लाइन ड्रॉ की है ये, इसको मान लेते हैं y। तो x और y तो आ गया आपके पास। ठीक है, अब मान लो जब हम इस ए और बी को देख रहे थे, मान लो 400-500 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो आप जानते हो डायरेक्टली तो मेजर कर नहीं सकते क्योंकि चैनी हमारे पास 30 मीटर की है, तो उसको हम टुकड़ों में डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो आपने ऐसे ही टुकड़ों में डिवाइड करते हुए चले होंगे, बीच में आपको ये छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर फाइंड होते हुए चले होंगे। ठीक है, तो जो ये पॉइंट मिल रहे हैं बीच में, इनको भी आप इस लाइन पर फाइंड कर सकते हो बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ये पॉइंट है, इसकी भी एक रेंडम लाइन यहाँ पर ड्रॉ की 90 डिग्री के साथ, मान लिया है डिस्टेंस x1। ऐसे ही जब आप यहां पहुंच जाओगे, अब इस लाइन पर तो सभी पॉइंट हमें दिखाई दे ही रहे हैं, आप यहां से इस वाले पॉइंट को आसानी से देख सकते हो, मान लिया y1। ठीक है, ऐसे ही आप इसको यहां पर फाइंड कर सकते हो 90 डिग्री का एंगल पर, मान लिया x2, और x2 जब ये मिल जाएगा तो आपको यह डिस्टेंस इधर मिल जाएगी y2। ऐसे ही यहां जितने भी पॉइंट होंगे आपके पास, उन सभी को आप इस लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो और सभी की डिस्टेंस मिल सकती है। अब आप देखो आपके पास क्या है भाई, एक्स भी है और रेंडम लाइन जो आपने ड्रॉ करी है वाई, वो भी आपके पास है। ठीक है, तो इस पर तो आप इजीली सभी पॉइंट को देख पा रहे हो ना, तो हम वाई को भी माप सकते हैं, वाई टू को भी माप सकते हैं, वाई वन को भी माप सकते हैं। मापना है मतलब ये है कि ये है आपके पास ऑलरेडी, जो रेंडमली आप खींच रहे हो
फर्स्ट पॉइंट वो भी है आपके पास, लेकिन बीच बीच में जितने ये पॉइंट आप ले रहे हो ये हमें निकालना है। तो देखो एक्स आपके पास है जो रेंडम आप कितना इस पॉइंट से इसी के लेवल में कितना हटे ये तो आपको पता ही होगा। अब यहां से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, वाई भी आपके पास है, ठीक है। तो एक्स भी आपके पास है, वाई भी आपके पास है, वाई वन भी आपके पास है, वाई टू भी आपके पास है। तो जब ये सारे हटे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला ये रहा, आपको यहां से x1 निकालना है तो y1 की गुणा उधर कर देंगे, x अपॉन y इंटू y1। तो इस फॉर्मूले से दोस्तों हम x1 x2 x3 ठीक है दोस्तों x4 ये सभी इस लाइन के ऊपर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हमारा दोस्तों कहलाता है रेंडम लाइन मेथड, ठीक है। याद रखोगे रेंडम लाइन मेथड, क्लियर। रेंडम लाइन मेथड आप याद रखोगे, और ये भी याद रखना कि ये हम कब यूज करते हैं, जब रेंजिंग किसी जंगल से की जा रही हो, ठीक है। याद रखना दिस मेथड यूज्ड व्हेन टू पॉइंट आर नॉट विजिबल ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ये कह रहा है कि दिस मेथड यूज, ये मेथड प्रयोग किया जाता है जब दो पॉइंट आर नॉट विजिबल, जब दो पॉइंट दिखाई ना दे रहे हो ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी अन्य बाधा के कारण। जैसे वो बाधा कौन कौन सी हो सकती है, ट्री, फॉरेस्ट, बिल्डिंग, ठीक है दोस्तों। अगर ये सब बाधा है तब हम रेंडम लाइन मेथड का प्रयोग करेंगे, कोई पहाड़ है तो रेसिप्रोकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कोई डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं लेकिन हंड्रेड मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो हम डायरेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन प्रकार की रेंजिंग होती है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड था। अब बात आती है कि अगर वर्टिकल ग्राउंड पर डिस्टेंस का मेजरमेंट करें तो कैसे करते हैं, तो मेजरमेंट ऑन वर्टिकल ग्राउंड पर पढ़ते हैं, इसको आप नोट करोगे। तो देखोगे दोस्तों मेजरमेंट ऑन वर्टिकल ग्राउंड, वर्टिकल ग्राउंड पर मेजरमेंट कैसे करते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहिए कि जो भी मैप हम बनाते हैं मैप पर हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही प्लॉट किया जाता है, नॉट वर्टिकल डिस्टेंस। याद रखोगे मैप पर हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही प्लॉट की जाती है दोस्तों, वर्टिकल डिस्टेंस प्लॉट नहीं करते, ठीक। हमारे पास ये वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, वर्टिकल ग्राउंड है। अब हमें वर्टिकल ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि मैप पर हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लॉट करते हैं ना कि वर्टिकल डिस्टेंस। तो फिर वर्टिकल ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकाल ले, ये हमारे दो मेथड है। तो स्टार्टिंग में इसमें लाइन लिख लेना आप कि मैप पर हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लॉट की जाती है तथा वर्टिकल डिस्टेंस को प्लॉट नहीं किया जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखोगे वर्टिकल ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निम्न मेथड द्वारा फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं मेथड कौन कौन से हैं देखोगे, नंबर एक दोस्तों हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा हमारे पास होता है दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड। जैसे कि रेंजिंग मेथड, डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग सेम ऐसे ही यहां पर है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट मेथड दोस्तों हम तब यूज करते हैं इफ यदि आपका जो ग्राउंड है, इफ ग्राउंड इरेगुलर स्लोप, यदि ग्राउंड इरेगुलर स्लोप का है, अनियमित ढाल का अगर ग्राउंड हो तब हम डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं, और यदि इफ ग्राउंड रेगुलर स्लोप, यदि ग्राउंड आपका रेगुलर स्लोप का हो, अनियमित, इरेगुलर को दोस्तों कहा जाता है अनियमित और ये नियमित, ठीक है, तब प्रयोग करते हैं। अब ये अनियमित कैसे हैं,
डायरेक्ट मेथड को ही दोस्तों डाउनहिल मेथड का नाम भी दिया जाता है। इसी मेथड को नाम देते हैं डाउनहिल मेथड, डाउनहिल मेथड, ठीक है, डाउनहिल मेथड। कैसे करते हैं देखना, डाउनहिल मेथड को ही देखना पहले, ये दोनों नाम लिख लिए। अब इसमें हम डाउनहिल की बात करते हैं, डाउनहिल मेथड। मानो दोस्तों कोई आपके पास ये वर्टिकल ग्राउंड है, ठीक है, ये कोई वर्टिकल ग्राउंड है और इस पर तो डायरेक्ट मेथड या डाउनहिल मेथड अभी बताया आपको कब यूज करेंगे, यूज्ड व्हेन ग्राउंड इरेगुलर स्लोप, ठीक है दोस्तों, याद रखोगे जब ग्राउंड अनियमित ढाल का हो तब हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। अनियमित ढाल का मतलब क्या है, मान लो आपके पास ये कोई वर्टिकल ग्राउंड है, ठीक है, तो यहाँ ये वर्टिकल ग्राउंड के ऊपर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, हम क्या काम करते हैं उस वर्टिकल ग्राउंड पर छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल पार्ट बनाते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल पार्ट बनाते हुए चलते हैं, ठीक है, यानी कि उस पूरे वर्टिकल को हम ऐसे छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जब ये हॉरिजॉन्टल पार्ट में आप कन्वर्ट कर दोगे तो उनकी ये डिस्टेंस आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। मान लिया डी वन, यहाँ की डिस्टेंस मान लिया हमने ये डी टू, ये डिस्टेंस हमने मान लिया इसमें डी थ्री, ये डिस्टेंस हमने मान लिया दोस्तों यहाँ पर डी फोर, ठीक है। तो जब आप ऐसे पूरे वर्टिकल ग्राउंड को हॉरिजॉन्टल पार्ट में कन्वर्ट करते चले जाओगे, मतलब पूरे वर्टिकल एरिया को डायरेक्टली मेजर ना करते हुए उसको छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल हिस्सों में बांट देते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल हिस्सों में बांटते जा रहे हैं उनकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आसानी से माप लिया जाता है, और लास्ट में टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम उन सबको जोड़ देंगे। तो डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री जितने भी डिस्टेंस आपके पास होंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे डी क्या है, ये डी है आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डी है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो पूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 36 दूरी आपको यहाँ पर निकल जाती है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि डाउन टू हिल सुविधा रहती है या अप टू हिल सुविधा रहती है, यानी कि डाउन टू हिल या अप टू हिल, ऊपर की ओर चलते हुए सुविधा रहेगी या ऊपर से नीचे की ओर चलते हुए सुविधा रहेगी। तो दोस्तों याद रखना डाउन टू हिल ज्यादा बेस्ट रहता है, नॉट अप टू हिल, ठीक है दोस्तों, ये गलत है। डाउन टू हिल सबसे अच्छी तरीके से कार्य को कर सकते हैं, तो डाउन टू हिल याद रखना है इसमें आपको कि डाउन टू हिल सुविधाजनक रूप से कार्य किया जा सकता है, इजीली कार्य किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो यह होता है आपका डायरेक्ट मेथड या डाउन हिल मेथड। दूसरा हमारे पास आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है उसको भी अभी देखते हैं। तो दोस्तों देखना, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास होता है यहां पर कि इनडायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फॉलोइंग मेथड द्वारा फाइंड किया जाता है। पहला मेथड है बाय मेजर ग्राउंड स्लोप, ग्राउंड के ढाल को मापकर। दूसरा मेथड है टू फाइंड लेवल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का लेवल अंतर बताकर। या फिर हमारे पास एक मेथड आता है दोस्तों हाइपोटेंशन अलोवेंस मेथड, बढ़ती कर्ण विधि इसको कहा जाता है। ये क्या होता है अभी दोस्तों ध्यान से इसको समझते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहती है हाइपोटेंशन अलोवेंस मेथड जो हमारे पास ये है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, फिर बाकी सभी पढ़ने वाले हैं अभी हम। दोस्तों जो था हमारा पहला कि ग्राउंड के स्लोप को मेजर करके, ग्राउंड के स्लोप को दोस्तों कैलोनीमीटर या एबने लेवल द्वारा, आपने पढ़े होंगे दोनों एपरेटस, ग्राउंड कैलोनीमीटर हो या एबने लेवल हो दोनों ही स्लोप को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। एबने लेवल ग्राउंड के स्लोप को कैलोनीमीटर या एबने लेवल द्वारा मेजर किया जा सकता है। ये किस लिए यूज होंगे, ग्राउंड के स्लोप को मापने के लिए, ठीक है दोस्तों याद रखोगे। मान लो हम वर्टिकल ग्राउंड की बात कर रहे हैं, मान ले दोस्तों कि हमारे पास एक पॉइंट ये है ए और कोई वर्टिकल पर दूसरा पॉइंट हमारे पास है ये बी, ठीक है, हमको इस डिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर करना है, कैसे देखते हैं, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन आप वर्टिकल ग्राउंड पर ड्रॉ करो एक,
ये मान लिया अपना कोई डी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। ए और डी के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि हमारे पास जो ए और डी के बीच की डिस्टेंस है हम किसी चैन की सहायता से माप सकते हैं। मान लेते हैं एक चैन के बराबर है, हमने इसको मान लिया एक चैन के बराबर है, और ए और बी डी के साथ जो एंगल पर है मान लिया वो एंगल हमारे पास अल्फा है। अभी मैंने आपको बताया कि इस अल्फा को आप किसके थ्रू मेजर कर सकते हो, कैलोरीमीटर के द्वारा इसको आप माप सकते हो, याद रखोगे, ठीक है दोस्तों। ये हमने मान लिया, आप क्या काम करो यहां पर कोस अल्फा फाइंड करो, कोस अल्फा की वैल्यू लगाओ, देखना कोस अल्फा इज इक्वल टू, कोस अल्फा क्या होता है दोस्तों आपने पढ़ा होगा लाल काका, ठीक है, ये होता है कोस आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी कि एडी अपॉन ए बी, अगर हम यहां से एडी फाइंड करें तो आ जाता है दोस्तों आपके पास ये ए बी कोस अल्फा, ए बी कोस अल्फा आ जाता है दोस्तों, ठीक है। मान लेते हैं कि जो ए बी है ये, इसकी लंबाई हमारे पास एल है, ए बी की लंबाई हमने मान ली एल है, तो मैं यहां रख सकता हूं ए बी की जगह एल कोस अल्फा। तो आपके पास जो ये ए डी है ये कितना आ गया, ये आ गया एल कोस अल्फा, एल कोस अल्फा। मान लो दोस्तों आप चैन के थ्रू जो इसे माप रहे थे उस चैन ने ए बी पॉइंट को पूरा मेजर न करते करते बजाय कुछ कम दूरी तक इसको माप कर आपको दिया, मान लो ये यहीं तक इसको माप पाया, तो जो ये फालतू डिस्टेंस है दोस्तों इसमें बी डैश बी, इसको बोलते हैं हाइपोटेंशियल अलाउंस वैल्यू, हाइपोटेंशियल अलाउंस वैल्यू बी बी डैश, ये जो इतना हिस्सा है ये इस हिस्से को कहा जाता है हाइपोटेंशियल अलाउंस वैल्यू, हाइपोटेंशियल अलाउंस वैल्यू, याद रखोगे हाइपोटेंशियल अलाउंस वैल्यू, बढ़ती कर्ण वैल्यू, बढ़ती कर्ण मान, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने मान लिया कि एल है, ठीक है, ये हमने क्या मान लिया एल है, ये आप सॉरी एल तो पूरा ए बी, ये डिस्टेंस इसकी बात कर रहा हूं मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। मान लिया कि ये एक चैन है, एक चैन ने केवल इसको बी डैश तक मेजर किया, हमें तो बी तक मापना था, ठीक है, पूरी डिस्टेंस हमारे पास एल है, हमने इसे मापने के लिए यूज किया, तो इस एल की वजह ये केवल एक चैन तक माप पाया, फालतू जो बच गई हमारे पास वो हमारी कहलाती है हाइपोटेंशियल अलाउंस वैल्यू, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं उसे देखो भाई, उसको भी इजीली फाइंड किया जा सकता है। यहां पर अगर बी डैश बी की बात करें तो ये क्या होगा, अगर टोटल में से बी डैश में ये निकाल रहा हूं, टोटल में से यानी कि ए बी में से अगर ए बी डैश आप माइनस कर देते हो, ए बी डैश अगर आप माइनस कर देते हो तो आपको हाइपोटेंशियल अलाउंस वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। ये हाइपोटेंशियल अलाउंस वैल्यू हम किस रूप में डिनोट कर रहे हैं, बी डैश बी के रूप में डिनोट कर रहे हैं, और बी डैश बी को कैसे निकाल सकते हैं कि पूरे एल में से, पूरा ए बी क्या है हमारे पास एल में से, एक चैन घटा दे यानी कि ए बी डैश अगर हम घटा दे तो ये वैल्यू हमें यहां पर मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। याद रखोगे यहां पर जो एल है ये हम इनक्लाइन डिस्टेंस है हमारी, ये एल क्या है, इनक्लाइन डिस्टेंस है, ठीक है, और अल्फा हमारा ग्राउंड स्लोप है, ये क्या है, ग्राउंड स्लोप, ठीक है, ग्राउंड स्लोप है, और ये हमारी हाइपोटेंशियल अलाउंस वैल्यू है, ठीक है, अलाउंस वैल्यू। तो हम यहां से इसको हाइपोटेंशियल अलाउंस वैल्यू को निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास है कि लेवल डिफरेंस को फाइंड करके, लेवल डिफरेंस को मेजर करके। अब लेवल डिफरेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। लेवल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं ये हम देखते हैं, पहले हाइपोटेंशियल को ही सोल्व करते हैं, देखना बाय बाय हाइपोटेंशियल अलाउंस, हाइपोटेंशियल अलाउंस जो कि आपके पास है दोस्तों बी डैश बी बराबर ए बी माइनस ए बी डैश, ए बी माइनस ए बी डैश। आप दोस्तों यहां पर सेक थीटा की वैल्यू निकाल लो, या थीटा को हमने यहां मान रखा है अल्फा, सेक अल्फा निकाल लो, देखो साइन कोस टैन कोट सेक, ये है सेक, कर्ण बटे आधा, कर्ण बटे आधा यानी कि ए बी अपॉन ए डी क्या हो जाएगा, सेक अल्फा। अगर मैं यहां से ए बी निकालता हूं
तो यह आ जाएगा एडी सेक अल्फा, एडी सेक अल्फा। तो दोस्तों आप क्या काम करो, आप जानते हो कि ए बी किसके बराबर आया, एडी सेक अल्फा के, तो यहां रख दो ए बी, सॉरी ये एडी सेक अल्फा माइनस ए बी डैश, सेक अल्फा माइनस ए बी डैश। एडी देखो दोस्तों, यह है एडी और एडी को हमने क्या मान रखा, एक चैन, तो मैं एडी की जहां लिख सकता हूं एक चैन सेक अल्फा, और ए बी डैश किसके बराबर है, ये भी एक चैन के बराबर है, एक चैन के बराबर, तो बी डैश बी। अब देखना बी डैश बी, यहां से एक चैन कॉमन ले लो, एक चैन कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास सेक अल्फा माइनस वन, सेक अल्फा माइनस वन। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं सेक अल्फा माइनस वन के रूप में आएगा, तो ये होगी हमारी हाइपोटेंस और अलोवेंस वैल्यू, ठीक है। हाइपोटेंस और अलोवेंस वैल्यू क्या होती है, दोबारा समझ लो, ये हमारे पास ए और बी दो पॉइंट थे जो वर्टिकल पॉइंट थे हमारे, हमने क्या काम करा, बी से कोई एक इसका प्रोजेक्शन लेकर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करें, हमने इसमें क्या करा अल्फा कोस अल्फा का फॉर्मूला लगाया, वहां से एडी फाइंड कर लिया, एडी हमारा निकल गया ये कोस अल्फा, ऐसे ही हमने इसी में ही सेक अल्फा का फॉर्मूला लगाया, वहां से हमारा निकल गया ये हाइपोटेंस और अलोवेंस वैल्यू, ये जो कि टोटल में अगर इतना घटा दो तो ये बचती थी हमारे पास, ये हमने लिखा, यहाँ एल हमारी इंक्लाइन डिस्टेंस थी, अल्फा हमारा ग्राउंड स्लोप था, हमने इसी का प्रयोग किया, हाइपोटेंस और अलोवेंस का हम प्रयोग करते हुए चले, ठीक है, हमने ये ए बी की वैल्यू यहाँ पुट की, ठीक है दोस्तों, फिर इसमें एडी और जो ए बी डैश है इन दोनों की वैल्यू पुट की, ये दोनों हमारे इक्वल थे एक चैन के, यहां से एक चैन कॉमन ले लिया, फॉर्मूला बन गया ये, तो इस फॉर्मूला को दोस्तों कहा जाता है हाइपोटेंस और अलोवेंस वैल्यू, हाइपोटेंस और अलोवेंस वैल्यू, इसके कुछ वैल्यूज होती हैं, पहले इसको याद करो और अभी लिखवाता हूं आपको। तो नेक्स्ट दोस्तों याद रखोगे ये जो हमारी हाइपोटेंस और अलोवेंस वैल्यू थी उसकी कुछ वैल्यू ये भी होती है, 50 थीटा स्क्वायर इंटू चैन, यहाँ पर थीटा आप, थीटा वही है अल्फा, अगर थीटा आप रेडियन में यूज कर रहे हैं तो ये वैल्यू, और यदि थीटा आप डिग्री में यूज कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, और यदि आपको कोई स्लोप गिवन है वन इन एन में, एन यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम इस वैल्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा हमारे पास जो मेथड था लेवल डिफरेंस के द्वारा फाइंड कर सकते हैं, वो तो सिंपल है, उसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, ए और बी के बीच लेवल डिफरेंस को मेजर करके और इनक्लाइन डिस्टेंस को मेजर करके एंड पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेंस और अलोवेंस वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है क्या होती है डेफिनेशन के रूप में, तो हाइपोटेंस और अलोवेंस वह डिस्टेंस है जो इनक्लाइंड लेंथ पर, इनक्लाइंड लेंथ पर एक चैन लेंथ में एड करने से टोटल इनक्लाइंड लेंथ का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एक चैन के इक्वल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, हाइपोटेंशियल अलोवेंस डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक मेजरमेंट ऑन वर्टिकल ग्राउंड और रेंजिंग का, ठीक है। अब इसमें हमारा क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों एरर के ऊपर, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मंडे में मिलेगी, ठीक है, धन्यवाद।